बनाइएगा क्योंकि हाँ ठीक है ना। देखो भैया ये फ्रीजर टेम्परेचर है, ये फ्रिज टेम्परेचर है -23 पर मैक्सिमम कूलिंग करेगा फ्रीज़र सबसे ज़्यादा, और -15 पर करेगा मिनिमम, यानी कि सर्दियों के लिए और जो सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो ये फिलहाल सर्दियों में 17 और 15 रखना है ये बेसिक है, और 21 और 23 आप गर्मियों में रखेंगे तो फिलहाल आप इसको सर्दियों में बिल्कुल ठीक किया हुआ आपने सर्दी के हिसाब से। ऐसे ही फ्रिज के लिए 1 डिग्री पर मैक्सिमम कूलिंग करेगा फ्रिज आपका और 7 डिग्री पर मिनिमम कूलिंग करेगा, तो आपने 5 या 3 फिलहाल अभी रख सकते हैं ठीक है। जैसे सर्दियाँ पड़ेंगी तो 5 या 7 कर लिया जाए ठीक है, 2 और 1 गर्मियों के लिए हो गया ठीक है। उसके बाद में एक आता है वेकेशन मोड, जैसे आप कहीं बाहर जा रहे हैं छुट्टियों पर, फ्रिज को ना बंद करके आप वेकेशन मोड लगा दीजिए। अप्रैला साइन जो आ रहा है ये वेकेशन मोड है, इसमें क्या होता है आपका रेफ्रिजरेटर ऑफ हो जाता है, फ्रीजर चलता रहेगा और रेफ्रिजरेटर में 17 डिग्री टेम्परेचर मेंटेन रहता है, इससे कोई स्मेल वगैरह या फंगस वगैरह ना लगे फ्रिज में। अच्छा अच्छा, वापस से जब आएंगे तो इसको आप दोबारा से ऑन कर लेंगे। उसके बाद में फ्रीजर को आप फ्रिज में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, सर्दियाँ हैं आपको नई बर्फ वगैरह की ज़रूरत है तो आप इसको बीच वाले को 3 सेकंड के लिए प्रेस करना है, दबा के रखना है इसको, अब ये फ्रीज़र आपका फ्रिज में कन्वर्ट हो गया है। ये तब के लिए जैसे सर्दियों में नहीं ज़रूरत है, या गर्मियों में भी अगर नहीं ज़रूरत है तो आप इसको एज ए फ्रिज चला सकते हैं, जो टेम्परेचर आपने फ्रिज का सेट किया उसी को फ्रीज़र भी मेंटेन करेगा ठीक है। उसके बाद में आप इसको ऑफ़ भी कर सकते हैं, फिर जैसे वेकेशन मोड पे गए थे ऐसे ही फ्रीज़र को भी आप इसको ऑफ कर सकते हैं, ये फ्रीज़र ऑफ होगा वहाँ पर 17 डिग्री टेम्परेचर मेंटेन रहेगा, फिर आप इसको करेंगे वापस से ये ऑन हो जाएगा फ्रीज़र भी ठीक है। उसके बाद में आता है एक होम अलोन मोड है, जैसे घर में कोई नहीं है आपको मिनी फ्रिज बनाना है इसको, तो आप यहाँ से इसको कन्वर्ट कीजिए और यहाँ से आप इसको वेकेशन मोड पर डाल दीजिए। अब आपका ऊपर वाला फ्रिज बन गया है ओके, नीचे वाला बंद ऑफ हो गया, ऑफ हो गया, और यहाँ बाय डिफॉल्ट 3 डिग्री पर ये काम करता है। अच्छा डिफॉल्ट ये ठीक है, बाय डिफॉल्ट 3 डिग्री पर काम करता रहेगा, वो शो नहीं करेगा लेकिन 3 डिग्री पर काम करता रहेगा ठीक है। आप दोनों को भी ऑफ कर सकते हैं, ऊपर और नीचे वाले को भी, वापस से इसको। अच्छा अगर ऑफ पे आए तो फिर पूरा ही वेकेशन मोड हो जाएगा, फिर पूरा ही वेकेशन हो जाएगा ऊपर भी और नीचे भी। उसके बाद में 2 ऑप्शन और आते हैं, पावर फ्रीज और पावर कूल का। जैसे फास्ट कूलिंग चाहिए घर में कोई फंक्शन है तो 3 सेकंड के लिए इसको दबा के रखेंगे आप, फास्ट कूलिंग स्टार्ट हो जाएगी फ्रीजर में जो कि 72 घंटे तक रहती है, 72 घंटे के बाद में ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा फंक्शन, या आप 3 सेकंड के लिए इसको फिर दबा के रखेंगे तो ये ऑफ हो जाएगा ओके। ऐसे नीचे वाले के लिए पावर कूल होता है, 3 सेकंड के लिए इसको दबा के रखेंगे पावर कूल ऑन हो जाता है, ये 2.5 घंटे के लिए ऑन होता है और 2.5 घंटे में ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा, ये आप इसको वैसे मैनुअली बंद कर सकते हैं ठीक है। अच्छा ये जो है जैसे घर कोल्डिंग वगैरह लाते हैं बाजार से, इसको रखिए और पावर कूल मोड लगा दीजिए तो 2.5 घंटे में ही उसको बहुत अच्छा करके चील कर समझ गए, इसको ऑफ कर सकते हैं ये इसका रहेंगे। दोनों साइडें थोड़ा हीट होती हैं चलते में तो ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसी तरीके से इसको डिज़ाइन किया हुआ है सही है। 1 साल की इसकी फुल वारंटी है, 20 साल से कंप्रेसर की वारंटी जी। कट की आवाज़ इसमें आती है आंटी जी? वो 2-3 तरह की आवाज़ें तो आती है। नहीं, कोई वो नहीं, वो तो तब आती है जैसे आपने फ्रिज बंद कर दिया है या फ्रिज ने डिफ्रॉस्टिंग में गया हुआ है, तो जब वो प्लस से माइनस से प्लस टेम्परेचर पे जाएगी ना तो कट कट की आवाज़